सुप्रभात बच्चों, पिछले क्लास में आपने संज्ञा के प्रकार दो को सीखा था। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके दो प्रकार, यानी कि टोटल पांच प्रकार है, उसमें से दो प्रकार आपने सीख लिया था। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी जो अगला वाला जो है यहाँ पे लिखेंगे वो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके लिए उदाहरण क्या क्या है करके हम यहाँ पे अभी लिख कर आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे लिखेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला वाला जो है बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो है पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला जो है बिल्ली चूहे खाती है, यहाँ देखिए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, बच्चे ये जाति है। ओके, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पक्षियों की जाति है। ठीक है, बिल्ली चूहे खाती है, बिल्ली चूहे, चूहा भी एक प्राणी है, एक ये भी जाति है। ठीक है, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अभी अगला जो आ रहा है वो है भाववाचक संज्ञा। देखिए, जो शब्द किसी चीज जो शब्द किसी चीज या
पदार्थ की या पदार्थ की अवस्था अवस्था दशा या भाव का बोध कराता है, भाव का बोध कराते हैं। कराते हैं उन शब्द को उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बुढ़ापा बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है। या आप कह सकते हैं कष्टकारी होता है। दूसरा वाला ज्यादा दौड़ने से थकान होता है होती है। ठीक है, तीसरा वाला माँ का प्रेम अमूल्य है। माँ का प्रेम अमूल्य है। यहाँ पे बुढ़ापा जो दुखदाई होता है, यहाँ पे क्या है बुढ़ापा। ठीक है, यहाँ पे दौड़ने से थकान, यहाँ पे प्रेम, यहाँ ये जो है भाव को सूचित कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा यानी क्या है। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था दशा या भाव को बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए है बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है। दूसरा वाला जो है ज्यादा दौड़ने से थकान होती है। तीसरा वाला जो है माँ का प्रेम अमूल्य है। माँ का जो प्रेम है अमूल्य, यहाँ पे क्या कौन सा भाव है अमूल्य है। ठीक है, अभी जो आगे आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये ऐसे ही ओरली आपको बता देती हूँ। द्रव्य यानी कि क्या है पदार्थ या धातु, धातु कह सकते हैं आप। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि ऐसे ही ओरल बोल देती हूँ, आप लिख कर लीजिए। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी क्या है, किसी विशेष धातु या पदार्थ को सूचित करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि पानी, घी, तेल, कोयला, सोना, चांदी आदि। अभी इसको सेंटेंस फ्रेम कैसा करना होता है, सेंटेंस के जरिए देखा गया तो मेरे पास सोने के आभूषण हैं। यहाँ पे सोना क्या है, एक धातु है। ठीक है, यहाँ एक द्रव्य है और दूसरा वाला जो है मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है यानी पानी यानी क्या है, ये भी एक द्रव्य है, ये पदार्थ है। यहाँ पे क्या है, पानी एक
द्रव्य है, तो यहाँ पे पानी अंडरलाइन किया जाता है। उसके बाद जो है, मैंने कोयले की खान देखी है, मैंने कोयले की खान, कोयला सबने देखा होगा, ठीक है। तो कोयला में इतलू इतलू हाँ चारकोल यू कैन से, तो आप सबने देखा है, वो भी एक धातु है, तो यहाँ पे हम उसको द्रव्य कह सकते हैं। ये हो गए संज्ञा के पांच प्रकार। इन पांच प्रकारों को अपने व्याकरण बुक यानी कि क्लास वर्क में आपको यह सब उतारना है, यह संज्ञा संज्ञा के प्रकार को पूरा लिख कर रखना है। उसके आगे जो अभी हम स्टार्ट करेंगे वो है अगले क्लास में पहला वाला लेसन विनती, ठीक है। तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिएगा।